मध्य प्रदेश के गृह और परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, सबसे पहले जो लगातार मध्य प्रदेश पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है, ये जो मेकओवर हुआ है, सिमी के ऑपरेटिव्स अगर काम करते हैं उनको तत्काल ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं दहशत जो है वो कायम हो गई है। नहीं देखिए, मध्य प्रदेश की पुलिस को सक्षम बनाने के लिए, आधुनिक संसाधन पुलिस को उपलब्ध कराने के लिए और पुलिस प्रभावी कार्रवाई कर सके, सबको ध्यान में रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े निर्णय लिए हैं। और इसमें सबसे पहले तो पुलिस बल बढ़ाने का काम बहुत तेज़ी से हुआ है और अभी 15,000 पुलिस बल की अभी भर्ती हुई है, 6,000 की इस साल फिर कर रहे हैं। और पुलिस बल बढ़ने से पुलिस पर जो लोड था वो इससे कम होगा। दूसरा, जो आधुनिक संसाधन है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका अधिकतम उपयोग मध्य प्रदेश में हम लोग पुलिस के लिए कर रहे हैं। पूरा एक डायल 100 देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश में शुरू हुई और जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट डायल 100 के आए हैं। 5 मिनट 3 मिनट से लेकर और आधे घंटे तक में पुलिस मौके पर पहुंची है और अनेक घटनाएं उसके माध्यम से हम लोग कंट्रोल कर पाए हैं। दूसरा, पूरे प्रदेश में सभी शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लगभग सभी जगह लग गए हैं। तीसरा, हमारा जो साइबर सेल है, जो जितना भी साइबर क्राइम है उसको कंट्रोल करने के लिए साइबर सेल को बहुत इफ़ेक्टिवली हम लोगों ने तैयार किया है और जो वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग उसमें हम लोग कर रहे हैं। और इसीलिए अभी जो आपने देखा कि हम लोगों ने जो ISI का एक बड़ा नेटवर्क जो था, जो कॉल ट्रांसफ़र करते थे, जो इंटरनेशनल कॉल है उनको नेशनल कॉल में ट्रांसफ़र करते थे और पूरा एक नेक्सस काम कर रहा था ISI के, उसमें उसको मध्य प्रदेश पुलिस को सफलता मिली है। और इसलिए मध्य प्रदेश की पुलिस कहीं पर भी घटना हो रही है तो आप देख रहे हैं कि तत्काल हम लोग 24 घंटे के अंदर अपराधियों की, आरोपियों की गिरफ्तारी कर रहे हैं, तत्काल एक कार्रवाई हो रही है। और इसलिए कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में पुलिस बहुत प्रभावी तरीके से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है और इसलिए राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो देश में सबसे अच्छी इस समय कानून व्यवस्था हमारे मध्य प्रदेश की इस कारण से है और इसलिए ये पुलिस काम कर रही है। सर, गृह और परिवहन मंत्री के तौर पर आपका काफ़ी व्यस्त शेड्यूल रहता है, लेकिन हम खुरई भी हम गए थे, आप इतनी व्यस्त दिनचर्या में अपनी विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी समय देते हैं, भोपाल भी आपके जो विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो आते हैं, आप उन्हें भी समय निकाल कर देते हैं, ये किस तरह से आप मैनेज कर पाते हैं? देखिए आशुतोष जी, जिस विधानसभा के लोगों ने चुनकर भेजा है और उनके कारण ही हम यहाँ पर हैं, सरकार में हैं, मंत्री हैं, और इसलिए सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के प्रति है स्वाभाविक रूप से। और उस नाते मैं कोशिश करता हूँ कि व्यस्तता के बावजूद भी क्षेत्र के लोगों को यह महसूस ना हो कि उनके प्रतिनिधि से वो मिल नहीं पा रहे या अपनी बात नहीं कह पा रहे, इसलिए बीच में समय निकाल कर जब भी समय मिलता है उस समय में से मैं क्षेत्र में भी जाता हूँ और लोगों से मिलता भी हूँ और जो वहाँ विकास के काम हैं और लोगों के व्यक्तिगत जो भी समस्याएं हैं उसमें जो कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश करते हैं। सर, मालथौन की बात करें, हम खुरई की बात करें, तो एक व्यवस्थित जो है वहाँ पर डेवलपमेंट होता दिखाई दे रहा है, एक प्लान स्ट्रक्चर वहाँ पर होता दिखाई दे रहा है, तो क्या कुछ आइडियल आपने ले रखा है कि उस स्तर पर मालथौन और खुरई को लेकर जाएंगे? नहीं देखिए, क्या है कि ये दोनों जो ब्लॉक हैं हमारे खुरई विधानसभा के, दो ब्लॉक हैं, एक खुरई ब्लॉक एक मालथौन ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक जो हैं इनमें पिछले वर्षों में कोई काम हुआ नहीं है और इसलिए विकास में काफ़ी पिछड़ गए हैं। और मैं लगातार इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि जो पिछड़ापन है उसको हम दूर करें और जो सरकार की योजनाएं हैं, विकास के काम हैं, वो हमारे क्षेत्र में हो। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने खुरई विधानसभा पर विशेष ध्यान दिया और जो पिछले 20-25 वर्षों से वहाँ काम नहीं हुए थे वो सारे काम हमने इन 5 वर्षों में वहाँ पर
किए हैं और इसलिए बहुत तेजी से विकास खुरई विधानसभा क्षेत्र का हो रहा है। सर, हमारी टीम अभी खुरई में मौजूद थी, बताया कि आपने जो चलित अस्पताल, जो हाईली इक्विप्ड जो अस्पताल चालू किया है, उससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है, हर बात के लिए उनको सागर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ आज भी रूरल में हेल्थ सुविधाएं उतनी प्रभावी नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, बाकी दिक्कतें हैं, और इसलिए गरीब आदमी अगर उसको समय पर इलाज नहीं मिल पाता है तो वो फिर यहाँ वहाँ भटकता है और समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है या फिर किसी से भी इलाज कराता है, कई बार उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। तो ये जो हमारी चलित क्लिनिक है जो निःशुल्क है पूरी तरह से, और ये गांव-गांव जाती है और उसमें सारी सुविधाएं, आधुनिक सुविधाएं जो है वो सब हैं, और अभी पिछले परसों ही 21 तारीख को लगभग उसमें 800 लोगों का चेकअप हुआ एक स्थान पर रजहुआ गांव में, और 236 लोगों में से उनमें उनका पैथोलॉजी टेस्ट हुए, आई टेस्ट हुए। 36 लोग ऐसे थे जिनकी आंखों में मोतियाबिंद पाया गया, तो उनके वो उनको रिपोर्ट बना के दी, प्लस कुछ लोगों ऐसे थे जिनके चश्मे के नंबर थे तो वो उनको चश्मे बना कर दिए, तो मौके पर ही उनकी आँखों की जाँच हो गई, बाकी जो पैथोलॉजी टेस्ट हैं वो सब हो गए और मौके पे ही उनको रिपोर्ट मिल गई। तो इसलिए गांव में अगर ये सुविधा लोगों को हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हम कम समय में ज़्यादा जगह पहुँचकर ज़्यादा लोगों का इलाज कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति में जब डॉक्टरों की कमी है तो हम उसको जितना मोबिलाइज़ करेंगे, डॉक्टर को एक जगह बैठने की अपेक्षा एक जगह बैठेगा, दिन भर में जितने लोग आएंगे उनको ही देख पाएगा, और जब डॉक्टर खुद गाँव में जाएगा तो ज़्यादा लोगों को देख पाएगा, और गांव के व्यक्ति को आर्थिक रूप से भी उस पर बोझ कम आएगा, समय बचेगा उसका और टाइमली ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ये बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है, और मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह से आगे, इसी तरह से बंगले पे इसी तरह से एक और क्लिनिक हम और चालू करें, क्योंकि एक क्लिनिक से हम सारे गाँव नहीं पहुँच सकते, तो आगे चल के एक क्लिनिक हम और शुरू करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल और पूछूंगा, बतौर परिवहन मंत्री एक समय तो पूरी व्यवस्था जो थी ठप पड़ गई थी, लेकिन आपने त्वरित कार्रवाई की, आपने ओवरलोडिंग को रोका, आपने बस के जो परमिट्स है वो चेक किए और महिलाओं के लिए भी कई विशेष सुविधा शुरू की, तो एक रोड मैप यहाँ पर नज़र आता है। देखिए, निश्चित रूप से जनता ने चुना है और इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की यही प्राथमिकता है कि जनता के कल्याण के लिए हम लोग जितना अच्छा कर सकते हैं वो करें, सिस्टम को जितना पारदर्शी कर सकते हैं वो करें, और इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमारा डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसमें आज की तारीख में सारी सेवाएं ऑनलाइन हैं, मतलब मध्य प्रदेश में इतनी सेवाएं किसी डिपार्टमेंट में ऑनलाइन नहीं है, सारी सेवाएं ऑनलाइन है और सिस्टम पूरा पारदर्शी है, इससे जो गड़बड़ियों की गुंजाइश थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म हुई है, और आगे भी हम लोग इसको और जो निर्णय करना है महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं की सुविधाओं के लिए, वो सारे काम भी लगातार कर रहे हैं, और हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधाजनक हो, लोगों को अच्छी सुविधा मिले, अच्छी यात्रा लोग कर पाएँ, सुरक्षित यात्रा कर पाएँ, और हमारे परिवहन से प्रदूषण ना हो, इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम लोग नीतियाँ लगातार बना रहे हैं और उसके बहुत सुखद परिणाम आ रहे हैं। सर, आप इकलौते ऐसे मंत्री हैं जिसकी बात विपक्ष भी विधानसभा में बहुत ही ध्यान से सुनता है, ये सहजता, ये सरलता और ये सौम्यता आप कहाँ से लाते हैं? नहीं, देखिए, ये कहीं से आती नहीं है सहजता सौम्यता, ये तो हमारे जो मन में जो भाव होता है और आत्मा की पवित्रता अगर व्यक्ति की है तो ये चीज़ें ईश्वर अपने आप देता है। मतलब मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि किसी भी कार्य को अगर आप पवित्र उद्देश्य से करोगे तो ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र सिंह जी। तो बेहद ही सरल स्वभाव के भूपेंद्र सिंह जी, कई रोड मैप यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, कई एक प्लान स्ट्रक्चर में यहाँ पर आगे बढ़कर चल रहे हैं, उसके बेहद और सुखद परिणाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन अनवर खान के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।